अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्सिकल एनालाइजर कि हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फेजेस पढ़े थे इसके, उनमें से फर्स्ट फेज जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है लेक्सिकल एनालाइजर। तो हम लोग लेक्सिकल एनालाइजर को पढ़ेंगे कि हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है। तो लेक्सिकल एनालाइजर को पढ़ने से पहले आप लोगों को जो है एक वर्ड लिखा होता है हमारे पास लेक्सीम। लेक्सीम के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास ये क्या होता है। लेक्सीम का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपको समझ आ जाए, जो मीनिंगफुल हो आपके लिए, वो हमारे पास क्या होता है, लेक्सीम। जिस तरह अगर मैं यहां पर ये कह दूं, कोई अगर वर्ड हम लोग लिखे, मैं यहां पर लिख रहा हूं बर्ड्स आर फ्लाइंग, हमारे पास क्या है कि परिंदे उड़ रहे हैं, ये हमारे पास एक लेक्सीम होगा जिसकी हम लोगों को समझ आ जाए। हमारे पास वो हमारे पास क्या होता है, लेक्सीम होता है। जो मीनिंगफुल हमारे पास सेंटेंस आ जाए वो हमारे पास क्या होगा, वो लेक्सीम होता है। अब लेक्सीम का क्या इस्तेमाल इसके अंदर हमारे पास जो है हम लोग यूज कर रहे हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है। बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर होता है हमारे पास, इसको हम लोग जो है वो स्कैनर भी कहते हैं। हमारे पास कोई अगर कोई एक्सप्रेशन हमारे पास हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ S इज इक्वल टू ए प्लस फाइव प्लस सी। अगर मेरे पास ये कोई एक्सप्रेशन है, क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा, सारे की सारी एक्सप्रेशन को ये स्कैन करेगा और उसके बाद रीड द प्रोग्राम एंड कन्वर्ट इनटू टोकन, ये सारे के सारे प्रोग्राम को जो है वो रीड आउट करेगा और टोकन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये टोकन क्या होते हैं, जिस तरह हमारे पास S एक टोकन है, हमारे पास इक्वल टू का साइन टोकन है, ए टोकन है, ऑपरेटर टोकन है, फाइव टोकन है, प्लस टोकन है, सी टोकन है, सेमी कॉलम टोकन है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोकन है, टोकन है। और इन्हीं को जो हम लोग आइडेंटिफायर भी कहते हैं, इनके नेम्स होते हैं, इनको टोकन हो जाता है हमारे पास, वो भी हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे पास थर्ड पे आता है कि ये हमारे पास स्कैन करता है वर्ड बाय वर्ड, यानी कि वर्ड बाय वर्ड चेक करेगा। जिस तरह एस को चेक किया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है आइडेंटिफायर, एस आईडी से मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिफायर। इक्वल टू का हमारे पास जो होता है वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। फिर हमारे पास ए जो है, ए भी हमारे पास जो है वो आइडेंटिफायर होता है, हमारे पास आईडी लिख रहा हूँ। हमारे पास जो प्लस है, प्लस क्या होता है, हमारे पास ये एक ऑपरेटर होता है, तो मैं प्लस को जो है ओपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है। और उसके बाद फाइव हमारे पास क्या आएगा, ये क्या, ये आइडेंटिफायर है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, क्योंकि फाइव जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, कोई भी इंटीजर्स वैल्यू को लिखी गई एक्सप्रेशन वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। तो मैं इसको सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर प्लस आ गया, प्लस क्या हमारे पास ऑपरेटर है, तो मेरे पास ऑपरेटर आ गया। अब सी क्या हमारे पास, सी जो है हमारे पास ये भी एक हमारे पास जो है आइडेंटिफायर है। उसके बाद जो सेमी कॉलम है, ये हमारे पास क्या है, स्पेशल करेक्टर, हमारे पास ये स्पेशल करेक्टर। इस तरह यह क्या करता है कि वर्ड बाय वर्ड स्कैन करते हैं और इनको जो है वैल्यू असाइन करते हैं, एक नेम दे देता है। और उसके बाद हमारे पास ये क्या करता है कि रिमूव वाइट स्पेस कमेंट्स एट, हमारे पास ये कुछ वाइट स्पेस वगैरह रिमूव कर देता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना सम, कुछ स्पेस दी मैंने, इक्वल टू लिखा, उसके बाद ए प्लस फाइव, फिर कुछ स्पेस दी, फिर मैंने जो है प्लस लिखा, फिर साथ में ये लिख दिया, फिर कुछ स्पेस दी और मैंने सेमी कॉलम लगा दिया। अब ये जो इसके अंदर गैप आ रहा है, ये जो हमारे पास स्पेस आ रही है, लेक्सिकल एनालाइजर जब स्कैन करते हुए जो उसकी काम का डाटा नहीं होगा उसको रिमूव आउट कर देगा, ये हमारे पास जो है इसको खत्म कर देगा। ये स्पेस जो है खत्म करने के बाद सबके सब कैरेक्टर्स को जो है वो आपस में जो है कॉन्कैटिनेशन कर देगा, यानी कि आपस में जो है वो जोड़ देगा, जस्ट जो मेन हमारे पास एक्सप्रेशन होगी उसी को जस्ट पिक आउट करेगा। और इसके अंदर हमारे पास कमेंट्स जो है वो भी रिमूव हो जाते हैं। कमेंट्स हम लोग जानते हैं कि जिसे हम लोग डबल स्लैश का यूज करते हैं सिंगल लाइन के लिए, डबल लाइन के लिए हम लोग जो है वो स्टेरी का यूज करते हैं, या मल्टीपल लाइन्स के लिए हम लोग जो है इन हम लोग जो है फॉरवर्ड और रिवर्स स्लैश और स्टेरी का यूज करते हैं। हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, सिंगल लाइन के लिए हम लोग जो है वो जस्ट हम लोग जो है फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं सिंगल लाइन के लिए। ये भी क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो लेक्सिकल एनालाइजर था वो जस्ट जो पार्टिकुलर स्पेसिफिक जो उसका काम का डाटा होगा ना, जस्ट इसने वही पिक करना है, अदरवाइज बाकी डाटा को इसने पिक नहीं करना। उसके बाद एक मैंने स्टेरिक लिखा, यानी कि इसके बारे में आपको इलम होना चाहिए कि डिफाइनिंग द वेरिएबल रूल्स,
यानी कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराने का रूल्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक वेरिएबल तो है लेकिन आइडेंटिफायर कैसे हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डाटा टाइप कैसी है। अब डाटा टाइप इसके अंदर हमारे पास कैसी होगी, जैसे हमारे पास 5 लिखा है, हम लोग जानते हैं कि सारी सारी इंटीजर्स वैल्यू होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है इंटीजर्स वैल्यूज होंगी। अगर कुछ वेरिएबल्स रूल्स की डिफाइनिंग वेरिएबल रूल्स की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास वेरिएबल जो है वो स्टार्ट में इंटीजर वैल्यूज नहीं आती, यानी कि हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते 5A 4 2 4B 5 बिलाल या कोई भी, हम लोग इस तरह के वेरिएबल्स नहीं लिख सकते इसके अंदर, क्योंकि अब इंटीजर से वेरिएबल जो है वो स्टार्ट नहीं होते। अलबत्ता हम लोग जो है इनको बाद में जरूर लिख सकते हैं, यानी कि इंट लिख दिया मैंने, इंट ये भी हमारे पास इंट है, इंट लिखा 5, उसके बाद जो है मैं ये भी लिख सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, मैं बिलाल और 5 ये भी मैं लिख सकता हूँ। इस तरह के वेरिएबल जो है मैं डिक्लेयर करवा सकता हूँ, उसके बाद इसके अंदर स्पेस भी क्रिएट नहीं होती, यानी कि अगर आप लोग वेरिएबल लिखना चाहें ए और बी लिखा तो ये इसके अंदर स्पेस दे दी, स्पेस हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर हम लोग जो है वो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अंडरस्कोर के साथ भी जो है वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, जैसा ए हो गया और उसके बाद ये हमारे पास वेरिएबल आ गया। फिर हम लोग अगर मैं यहाँ पर जिस तरह मैंने अभी लिखा बिलाल पॉइंट, अब इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, आप लोग सोचते होंगे शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसके अंदर 10 करेक्टर यूज हैं। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि इसके अंदर 10 वेरिएबल, 10 वेरिएबल्स नहीं है, इसके अंदर जस्ट 2 वेरिएबल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोमा यूज किया है। ये मेरे पास एक कंप्लीट बिलाल जो है वो एक वेरिएबल है, उसके बाद जो पॉइंट है ये मेरे पास 2 वेरिएबल है, क्योंकि बीच में मैंने ये जो सेमी कॉलम का यूज किया है। उसके बाद आप लोग जो है स्पेशल करेक्टर जो होते हैं, हमारे पास स्पेशल करेक्टर एट हो गया, हैश हो गया, ब्रैकेट्स वगैरह होगी, परसेंटेज का साइन हो गया, डॉलर का साइन हो गया, इस तरह की चीज़ें भी जो आप लोग इसके अंदर जो है वो यूज नहीं कर सकते इसके स्टार्ट में, इनसे भी वेरिएबल जो है आप लोगों के डिक्लेयर नहीं होते।